सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने इस चैप्टर का पिछला पार्ट यानी कि हमारा जो चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो गया था उसे आपने देख लिया होगा, जिसमें हमने दोहा तीन तक बहुत ही अच्छे से पढ़ा और उसको समझा था। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दोहा चार को। क्या करने वाले हैं? दोहा चार को पढ़ने वाले हैं और इसको थोड़ा सा डीप में समझेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो या फिर कोई और भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसे हल्का सा अपने रियल लाइफ से रिलेट करके देखो, तब आपको वो चैप्टर बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो हम ये पढ़ रहे हैं इसको भी हम थोड़ा सा अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, जिससे हमें ये याद रह जाए चैप्टर। ठीक है, और जैसा कि आप सब जानते हैं हिंदी ईजी भी होती है और स्कोरिंग भी होती है, तो इसमें आप इजीली बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो अगर आपको अपने परसेंटेज अच्छे करने हैं तो। इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। दोहा चार, कबीर का चौथा दोहा फिर से पढ़ लेते हैं। आप अक्सर सोचते होंगे कि हमारे आसपास अपार दौलत होती है, होती तो कितना मज़ा आता। सभी सोचते कि आज मेरे पे इतना पैसा होता तो मैं ये करता, इतना पैसा होता तो मैं ये करता। लोग ये सोचते ही हैं। क्या कभी आपने यह भी सोचा है कि धन हमेशा ही फायदेमंद नहीं होता? वह अपने साथ बहुत सी बुराइयां भी लाता है। अगर किसी के पास बहुत सा पैसा हो तो वह क्या करेगा? जाहिर है कि वह पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा, फिर अपने लिए सुविधाएँ जुटाएगा, फिर भोग विलास और फिर बुरे शौक व्यसनों को पूरा करने लगेगा। यानी धन एक हद तक तो ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन ज़्यादा पैसा होने पर आदमी सुख सुविधा में फंसता है, केवल अपना फ़ायदा देखता है और विलासी बन जाता है। कबीर ने धन की अधिकता होने पर उससे छुटकारा पाने की या उसे दान कर देने की बात कही है। उन्होंने नाव में पानी भरने से इसकी तुलना की है। उनके अनुसार जैसे नाव में पानी भरने पर यदि पानी को बाहर न निकाला जाए तो नाव का डूबना तय है, वैसे ही धन की अधिकता होने पर यदि दान करके उसे खर्च न किया तो व्यक्ति का पतन भी निश्चित है। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में पैसे की अधिकता होने लगे तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से उलूचना शुरू कर दीजिए। नाव में पानी बढ़ने पर उसका डूबना निश्चित है, इसीलिए जैसे ही पानी भरने लगता है नाविक उसे दोनों हथेलियां मिलाकर मतलब अंजुरी बनाकर बाहर फेंकने लगता है। इसी तरह यदि घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा बढ़ने लगे तो समझदार व्यक्ति को अंजुरी भर भर कर उसे बाहर कर देना चाहिए, अर्थात दान कर देना चाहिए, क्योंकि धन की अधिकता अपने साथ ऐसी विकृतियां लेकर आती है जिससे घर का विनाश होना निश्चित होता है। आपने कई बार कहानियों में भी पढ़ा होगा, सुना होगा या फिर अपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, लोगों के पास थोड़ा पैसे आते नहीं है कि वो घमंड दिखाने लगते हैं, उनके अंदर ये एटीट्यूड वाली विकृतियां आ जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को महान समझने लगते हैं। तो इससे कहने का मतलब, इस दोहे से तात्पर्य हमारा यह है कि पैसे धन सब कुछ ज़रूरी तो है पर एक लिमिट तक। अगर आपके पास वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उसे थोड़ा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कीजिए, गरीबों को दान कर दीजिए, और कितने ट्रस्ट वगैरह होते हैं तो उसे थोड़ा दान करके आप खुद भी खुश रह सकते हो और लाख तरह की विकृतियों से दूर रह सकते हैं। चलिए इसकी अब टिप्पणी को देखते हैं। नाव में जल और घर में धन जैसी दो भिन्न स्थितियों में न केवल समानता स्थापित की गई है बल्कि इससे नीतिगत उपदेश को भी सरल और बोधगम्य बना दिया गया है। आप जानते हैं कि नाव में वैसे तो पानी आता नहीं, पानी तभी आता है जब उसमें छेद हो या टूट आ जाए। इसी प्रकार घर में गलत तरीके से कमाया गया धन आ जाए तो उसे भी घर से निकाल देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो हाल पानी भरने से नाव का होगा वही हाल गलत तरीके से आने वाले पैसे से घर का भी होगा, अर्थात दोनों का डूबना नष्ट होना तय है। सयाना का वास्तविक अर्थ है वयस्क, बालिग, परिपक्व, समझदार आदि। यहाँ सयानों काम का अर्थ है समझदारी का काम।
कबीर ने धन की आवश्यकता से को नकारा नहीं है, उसकी अधिकता को हानिकारक बताया है। धन मनुष्य के पास कितना हो, इस विषय में उनका यह दोहा देखिए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मतलब इतना ही रहे कि पैसे के, हम ना हम भूखे रहे ना गरीब लोग, साधु लोग भूखे रहे, ऐसा ये सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कहना चाह रहा है। यहाँ से हमारे होते हैं क्वेश्चन आंसर शुरू, और हम इसको करेंगे लास्ट पार्ट में। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट में भी किया था कि एक लास्ट पार्ट में हमने इसे कंप्लीट किया था, ठीक है। तो इसको अभी होल्ड करते हैं, मगर हाँ, अगर आप इसका आंसर देना चाह रहे हैं, आपको इसका आंसर पता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, ओके। तो चलिए हम अब इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इसके दोहा पाँच को देखते हैं। आइए पाँचवें दोहे को ठीक से समझने के लिए उसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यह दोहा रहीम का लिखा हुआ है। आपको तो पता होगा कि एक वर्ष में छह ऋतुएं होती हैं। इनके नाम है ग्रीष्म गर्मी, वर्षा हल्की सर्दी, तेज सर्दी और वसंत, जिसे कहते हैं ग्रीष्म, पावस, शरद, शिशिर और हेमंत और वसंत। आपने वसंत में कोयल की फूंक और वर्षा में मेंढक की टर टर की आवाज़ तो सुनी ही होगी। जाहिर है कि कोयल की फूंक सभी को भाती है, उसके स्वर में मिठास होती है और गायन में लय। आपने प्राय एक बार में एक ही कोयल का स्वर सुना होगा, सामूहिक स्वर नहीं। दूसरी तरफ मेंढक एक साथ टराते हैं, उनका टरनाना सुनने में बड़ा ही अरुचिकर लगता है, उस शोर में और सभी आवाज़ें दब सी जाती है। इसी आधार पर कवि ने कोयल को ज्ञानवान व्यक्ति के प्रतीक के रूप में और मेंढक को शोर शराबा करने, ध्यान खींचने वालों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। आइए अब इस दोहे का अर्थ सौंदर्य देखें। रहीम कहते हैं कि पावस अर्थात वर्षा ऋतु के आने पर कोयल अपने मन में यह विचार करके मौन साध लेती है कि अब तो मेंढक वक्ता हो गया है, जानकारी ना रखते हुए भी बढ़ चढ़कर बात करने लगे हैं, अब हमें कौन पूछेगा, अर्थात हमारी कद्र कौन करेगा। तात्पर्य यह है कि जब कम जानकार या अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बातें करने लगे, करते हुए महत्व पाने लगते हैं, तब ज्ञानी लोग मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनका स्वर इस शोर शराबे में दबकर रह जाता है और ना सुनने जाने के कारण उनकी बात का उचित प्रभाव नहीं पड़ता। अब सवाल उठता है कि क्या रहीम यह कहना चाहते हैं कि मूर्खों के बढ़ चढ़ कर बोलने पर विद्वान को ज्ञानपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। गौर करें, पावस देखकर कोयल के मौन साधने की बात कही गई है, हमेशा के लिए नहीं। जब ऋतु बदलेगी तो मेंढकों का टर्राना बंद हो जाएगा, फिर बसंत ऋतु आएगी और कोयल फिर पंचम स्वर में संदेश देगी। मतलब साफ है, विद्वान का मौन सिर्फ उतने समय के लिए ही होता है जितने समय तक शोर शराबा हो। बढ़ चढ़ कर मूर्खतापूर्ण बातें हो, अनुकूल अवसर मिलते ही विद्वान को फिर ज्ञान और मानव कल्याण की बातें कहनी चाहिए। इससे यह भी पता लगता है कि विद्वान अनुकूल अवसर पर ही अपना विद्यता का प्रदर्शन करता है। मतलब कि जो बहुत ज्ञानी इंसान होता है वो ऐसे मूर्खों के बीच में अपनी आवाज़ को बढ़ाता नहीं है, वो एक सही समय का इंतज़ार करता है, फिर वहाँ पर बोलता है ताकि उसकी बातों को, उसके कहे गए चीज़ों को वैल्यू की जाए, क्या कि और उसकी बातों को लोग समझे। ऐसा कि नहीं जैसे कि वो लोग टर्टर कर रहे हैं वैसे ये लोग भी, जैसे मेंढक टर्टर करते वैसे मूर्ख लोग भी टर्टर करके उनकी सुनता भी नहीं है कोई, जो सुनते हैं पर जो ज्ञान होते हैं, जिन ज्ञानवर्दी इंसान होते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है, वो थोड़ा सा जब ये मूर्ख लोग बोलते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे मौन साध लेना चाहिए, उसके बाद सही वक्त आने पे अब फिर बोलिए, जिससे आपकी बातों की वैल्यू भी की जाए। अब टिप्पणी देखते हैं इस दोहे में। सामान्य रूप में कोयल और मेंढक का ही जिक्र है, पर उसके द्वारा विद्वान और मूर्ख वाला अर्थ व्यक्त होता है। जहाँ साधारण तौर पर एक बात कही जाए पर उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न या अप्रत्यक्ष निकलता हो, वहाँ अनियोक्तिक अलंकार होता है। प्रस्तुत दोहे में अनुयोक्ति का बहुत सुंदर और सटीक प्रयोग है। अब दादुर वक्ता भय में वक्ता यानी वक्ता शब्द में व्यंजना का सौंदर्य निहित है। बोलने लगे या बोलते हैं
या बोल रहे हैं कि जगह वक्ता भय का प्रयोग किया गया है। आपने मंच पर लोगों को बोलते हुए देखा होगा, किसी सभा या समाज में जो व्यक्ति मंच से अपनी बात कहे उसे वक्ता कहते हैं। व्यंजक से अर्थ निकलता है कि अब मूर्खों के ही हाथ में है। आपने अपने स्कूल में भी एनुअल फंक्शन वगैरह देखा होगा, जहाँ पे लोग अपनी अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, कविताएं होती हैं, सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो लोग क्या है? वक्ता। ठीक है, चलिए अब 2006 की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए छठा दोहा ध्यान से पढ़ लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें 7 चीजों या बातों का उल्लेख है। खैर, यानी कत्या खून खासी खुशी, वैर यानी दुश्मनी। खैर यानी कत्या खून खासी खुशी, वैर यानी दुश्मनी। प्रीति अर्थात प्रेम और मदपान यानी नशीली चीजों का सेवन। रहीम कहते हैं कि ये 7 दबाने से नहीं दबते, यानी उभर ही आते हैं। कहने का अर्थ है कि सारी दुनिया जानती है कि इन 7 को छिपाया नहीं जा सकता, ये बातें समय आने पर प्रकट हो ही जाती है। बिल्कुल सही बात कही है। खून अगर आता है तो वो आता ही है, उसे रोका नहीं जा सकता है। खांसी को आप रोक नहीं सकते, वो आएगी तो आपकी खांसी निकलेगी ही निकलेगी। खुशी, जब आप कहीं खुश होते हैं तो उसका एक चमक आपके चेहरे पे अलग ही दिखता है। दुश्मनी, आपके किसी के साथ दुश्मनी है, उसे देख करके आपका खुशी का उड़ जाना चेहरे से, या फिर दुश्मनी जो उसके साथ है वो साफ साफ चेहरों पे नज़र आ जाती है। प्रेम भी नहीं छुपता है और नशीली चीज़ें अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर ही लेती है। मेरा तो बिल्कुल सही मानना है, रहीम ने ये बातें बिल्कुल सही कही है कि ये 7 चीज़ें जो है, इसे कितना ही छुपाया जाए ये छुप नहीं सकते, समय आने पर ये बाहर आ ही जाते हैं। खैर यानी कथ्या पान में प्रयोग किया गया है, किया जाता है और होठों को लाल करके अपनी उपस्थिति प्रकट करता है। ऐसे ही खून भी अपने रंग को ऐसा छोड़ देता है कि उसे छिपाना संभव नहीं होता। ये तो आप जानते हैं कि खांसी को दबाया नहीं जा सकता। आपने ऐसे लोगों को तो देखा ही होगा जिनकी आपस में नहीं बनती और मौका पाते ही वो एक दूसरे के नुकसान पहुँचाने से नहीं चूकते। इसी को वैर कहते हैं। ऐसे लोग जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनका आवभाव और व्यवहार सभी के सामने उनके संबंधों को स्पष्ट कर देता है। इसी तरह किसी के प्रति प्रेम का भाव भी आंखों की चमक, बोलने के तरीके और व्यवहार से प्रकट हो जाता है। आपने नशेड़ियों या शराबियों को देखा होगा, उन्हें देखते ही आपको पता लग जाता है कि इस आदमी ने जरूर शराब पी रखी है। उसकी चाल ढाल, उसका बोलने का तरीका अपने आप शराब पीने की बात जाहिर कर देता है। इस तरह आपने देखा कि जिन 7 बातों की चर्चा इस दोहे में की गई है वे स्वयं ही अपने आपको व्यक्त कर देती है, जिन्हें छिपाया नहीं जा सकता। आपने दैनिक भाषा व्यवहार में ध्यान दिया होगा कि इस किसी बात पर बल देने के लिए यह कहा जाता है कि अरे भाई सारी दुनिया इस बात को जानती है, या कोई हर यह जानता है, या कौन इस बात को नहीं जानता, अथवा सभी जानते हैं, या सबको पता है जी, आदि आदि। जाना तो सकल जहान, ऐसा ही प्रयोग है। टिप्पणी को देखते हैं। खैर खून खांसी खुशी में ख वर्ण का दोहराव है, अथवा अतः यह अनुप्रास अलंकार है। आप जानते हैं कि जहाँ एक ही वर्ण को बार बार बोला जाए या उसकी बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब आता है हमारा 2.2। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बाकी इसको हम इकट्ठे अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और दोहा 7 को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक प्रसिद्ध कवि वृंद का दोहा फिर से पढ़ लेते हैं। आप देख रहे हैं ना कि इस दोहे में कुछ खास बात कही गई है। इसमें कुछ करने पर बल दिया गया है। क्या करने पर जी? हाँ, अभ्यास करने पर। यह अभ्यास क्या होता है? प्रैक्टिस होती है। कहाँ कहाँ आपने
यह शब्द पढ़ा या सुना है, याद कीजिए। अभ्यास, रियाज, अब कुछ याद आया? संगीत में, खेल में। आपको पता होगा कि संगीत सिखाने वाले ही नहीं बल्कि संगीत के बड़े बड़े पंडित और उस्ताद भी रोजाना रियाज करते हैं। रियाज का अर्थ अभ्यास ही होता है। आपने बड़े संगीतज्ञों का साक्षात्कार या भेंट वर्ता इंटरव्यू सुना या पढ़ा होगा। वे बताते हैं कि वे दिन में 10 से 12 घंटे तक रियाज करते हैं, करते थे। नए सीखने वालों को भी वे अभ्यास पर अधिक समय देने की सलाह देते हैं। इस तरह आपने खिलाड़ियों को भी देखा होगा कि वे प्रतिदिन कई घंटे का समय अपने खेल के अभ्यास पर खर्च करते हैं। आपने समाचारों में भी सुना होगा कि किसी भी मैच से पहले पूरी टीम एक बार अभ्यास करती है। आपको शायद यह भी पता हो कि वकील और डॉक्टर तो अपने पूरे काम को ही प्रैक्टिस कहते हैं। आइए इस दोहे के भाव को समझने से पहले कुछ और बातों को जान लें। इस दोहे में कवि ने कहा है कि अभ्यास करते करते यानी निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है। कवि ने मूर्ख के लिए जड़मती शब्द का प्रयोग किया है। जड़ का एक तो आम अर्थ है किसी भी पेड़ पौधे का वह हिस्सा जो जमीन के भीतर होता है और जिसके द्वारा उसे खाद पानी मिलता है। आप जड़ और चेतन पदार्थ में इन दो भेदों के बारे में जानते हैं। जड़ वे पदार्थ जिनके अंदर जीवन के तत्व नहीं होते, साधारणतः जिनमें खुद बढ़ने और हिलने डुलने की शक्ति नहीं होती। चेतन वे पदार्थ जिनमें जीवन के तत्व होते हैं, जिनमें बढ़ने और हिलने डुलने की शक्ति होती है। तो जड़ का अर्थ है ठहरा हुआ, रुका हुआ, धड़कन रहित, बेजान, मति, बुद्धि को कहते हैं। अतः जड़मती का अर्थ हुआ जिसकी बुद्धि का विकास ना हुआ हो या जो मूर्ख हो। आम भाषा में इसके लिए ठस दिमाग का भी प्रयोग किया करते हैं। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं। सुजान भी आप जानते ही है, चतुर, बुद्धिमान और विद्यमान। चलिए अब आपको हम थोड़ा पहले के समय तक लेके चलते हैं। आपने कुआं देखा है? देखा होगा, हो, मैंने तो देखा है। हाँ ठीक है, आज इनका बहुत कम प्रयोग होता है, पर पहले पानी की जरूरत को कुएं ही पूरा करते हैं। एक बाल्टी या घड़ा लिया, उसमें रस्सी बांधी और कुएं में लटकाकर ढील देते हुए तल तक पहुंचाने पर 2-3 बार रस्सी को ऊपर नीचे झटका दिया, बाल्टी में पानी भर गया, अब उसे ऊपर खींच लिया। आपने ऐसा करके या ऐसा होते हुए तो देखा है कभी? अगर रियल लाइफ में नहीं देखा होगा, कितनों ने तो मूवी में तो देखा ही होगा, वह तो नहीं। और इस चित्र में भी तो है, आप यहाँ देख लीजिए ऐसा होता है कुआ, अगर किसी ने नहीं देखा है तो। वह तो नहीं जिसमें रस्सी के नीचे ऊपर आने जाने के लिए घिरनी लगी होती है। घिरनी तो बाद में लगने लगी, उससे पहले कुएं के चारों तरफ पत्थर का फर्श बना होता था और रस्सी के इसी पत्थर पर रगड़ खाने से पत्थर पर उतने हिस्से में गहरा गड्ढा बन जाता था। पत्थर के लिए संस्कृत शब्द शिला है जिससे हिंदी में शील शब्द बना है। अब इस दोहे के भाव और संदेश को हम आसानी से समझ सकते हैं। कवि कहता है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रस्सी के निरंतर आने जाने से पत्थर पर उनका निशान बन जाता है, इसीलिए किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। टिप्पणी देखते हैं अब इसकी। जड़मती से सुजान बनने की प्रक्रिया के लिए दैनिक व्यवहार के उदाहरण सील पर परत निशान का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि लिखने वाली भाषा से बोलने वाली भाषा में क्या अंतर होता है? जी हाँ, लिखने वाली भाषा अक्सर वह होती है जो पूरे भाषा क्षेत्र में एक जैसी होती है, इसे मानक भाषा कहते हैं। लेकिन बोली जाने वाली भाषा के दो रूप साथ साथ मिलते हैं, एक मानक रूप और दूसरा क्षेत्रीय या स्थानीय रूप। मानक रूप हर जगह एक जैसा बोला जाता है, स्थानीय रूप अलग अलग होते हैं, जैसे कलकतिया हिंदी, बम्बईया हिंदी आदि। इन स्थानीय रूपों के साथ ही
उस भाषा क्षेत्र की उपभाषाएं होती है, जैसे अवधि, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली आदि। हर क्षेत्र की उपभाषा के उच्चारण का तरीका और बोलने की लहजा भी अलग अलग होता है। इस दोहे में रसरी ऐसा ही शब्द है, मानक भाषा में शब्द है रस्सी। इसी रस्सी को ब्रज में रसरी बोला जाता है। दोहे की भाषा ब्रज है। इस दोहे के अर्थ को बनाने के संदर्भ में हमने मानक भाषा और उपभाषा में अंतर समझा है। हिंदी की उपभाषाओं के पांच वर्गों में बांटते हैं। इस वर्गों में शामिल उपभाषाओं के नाम इस प्रकार हैं। पश्चिमी हिंदी वर्ग, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, अवधी, छत्तीसगढ़ और बघेली। बिहारी वर्ग, भोजपुरी, मगही और मैथिली को सब संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त करते हैं। राजस्थानी वर्ग, मेवाती, जयपुरी, मालवी और मारवाड़ी। पहाड़ी वर्ग, कुमाऊनी, गढ़वाली आदि। तो इसी के साथ हम यहाँ पे आज यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोहा 8 के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।